हेलो स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में आपके पास थर्ड फिफ्थ चैप्टर चल रहा था, सेकंड यूनिट आपके आज लास्ट ही है लेक्चर उसमें। तो 5.3, इससे पहले हमने इसके एग्जांपल और जो सारे आर्टिकल्स थे वो करवा दिए। तो आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में आपको पता है आपने तीन रिजल्ट पढ़े थे, ठीक है, कि दो बॉडीज़ को एक इन एक्सटेंसेबल स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रहे हो, फिर आप फॉर मोशन लगा रहे हो एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे या टेबल पे, फिर उस पर लगा रहे हो स्मूथ पे लगा रहे हो, तो उसमें आपके पास क्या तो एक्सेलरेशन बनेगा, क्या आपके पास उस पर प्रेशर बनेगा पुली के ऊपर, ठीक है, क्या टेंशन बनेगी, ठीक है, स्ट्रिंग की टेंशन क्या होगी। तो ये सिर्फ हमारे पास तीन रिजल्ट लग रहे हैं, और इन तीन रिजल्ट्स को बनाने के लिए आपने जो सेकंड एक्सरसाइज में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन और डाउन अपवर्ड एक्सेलरेशन के लिए जो रिजल्ट्स पढ़े थे, हम उनका यूज़ करते आ रहे हैं। तो आप, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप जब सेकंड एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हो, तो प्लीज़ अगर आपने क्वेश्चन भी आराम से किए हैं, आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, एग्जाम्पल्स भी करें, तो उससे पहले आप एक बार उनके रिजल्ट ज़रूर देख लें कि डाउनवर्ड में क्या लगता है और अपवर्ड में क्या, तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मास ऑफ 450 ग्राम्स एंड 550 ग्राम्स आर कनेक्टेड बाय ए थ्रेड पासिंग ओवर ए लाइट पुली, लाइट एक्सटेंसिबल पुली, सॉरी स्ट्रिंग के साथ है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट टाइप का था, मैंने अभी बताया कि फर्स्ट टाइप का जब दो मास आपका एक सिंगल उससे स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखे हैं, जो स्ट्रिंग है वो आपका पुल पास हो रही है ओवर किससे, स्मूथ पुली से, ठीक है। हाउ फार डू दे मूव इन द फर्स्ट 3 सेकेंड ऑफ द मोशन एंड वट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो वो फर्स्ट 3 सेकेंड में कितना मूव करेगी, ठीक है, और उसकी टेंशन निकालनी है। तो टेंशन निकालनी, अब देखिए, टेंशन निकालने के लिए हमें पहले एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और यहाँ पर इसने तो डिस्टेंस भी पूछ लिया, तो डिस्टेंस पूछ लिया। अब हमारे पास दोनों मास दे रखे हैं, दोनों मास दे रखे हैं, तो अब हम सबसे पहले बिल्कुल आराम से क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो M1 दे रखा है हमारे पास, M1 जो है वो मैक्सिमम जो वेट मास है वो हम उसको कंसिडर करते हैं, तो 550 ले लिया, और M2 जो है वो 450 ग्राम से रखा है। F हमने दोनों मतलब एक्सेलरेशन मान लिया सिस्टम का, तो F जो निकालने का, एक्सेलरेशन निकालने का जो हमारे पास वहाँ पे कंबाइन हमने फॉर्मूला कर बनाया था, वो है M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस में M2, ठीक है, इंटू में जी। तो इसकी वैल्यू डाल दी हमने, जी की वैल्यू डाली 0.9, अभी हमारे पास ग्राम में था तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी देखिए, हो गया हमारे पास सिंपल, बन गया। तो F जो है वो 98 सेंटीमीटर, और ये जो है, ये देखो, ये हमारे पास सेंटीमीटर उसमें लाना था, तो इसके हिसाब से ये 9.8 डालते हो, तो 9.8 डालते हो तो हमने यहाँ पे उसको कन्वर्ट किया, किसमें कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया अकॉर्डिंग टू दिस, आपके पास आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ गया। अब देखिए, इनिशियली उसने कहा 3 सेकेंड में, तो आपके पास F आ गया, टाइम भी दे रखा है। अब जो है टाइम दे रखा है, एफ हमने निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन याद करिए कि हमें कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है, और इनिशियली जो है वो सिस्टम का ऐसा वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, 0 होगी। तो इनिशियली वेलोसिटी हमने 0 मान ली सिस्टम की, टाइम हमारा 3 सेकेंड दे रखा है, एफ जो है हमारा 98 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हमने ऊपर से निकाल लिया। अब हमें हाउ फार डिस्टेंस पूछ रहा था ना, तो डिस्टेंस एस है, एस फाइंड करेंगे, तो एस, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन में ये ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों को लेके हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यू है, टी है एंड एफ है, तो एस ये ले लिया, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 ft2। तो इसमें सभी वैल्यू अप्लाई करी और हमारे पास क्या आ गया, 441 सेंटीमीटर आ गया। तो इतनी डिस्टेंस कवर की उसने, अब उसने को क्या चाहिए था, अब इसके ऊपर टेंशन चाहिए थे, तो टेंशन हम निकालते, टी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ M1 इंटू में M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू में जी। अब आपके पास देखिए सारी चीज़ें थी, M1 M2 सभी हमने डाल दिए, तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्केल पैन ईच ऑफ मास 4 kg आर कनेक्टेड बाई ए लाइट स्ट्रिंग पासिस ओवर ए पुली। आपके पास दो स्केल पैन है, वही है क्वेश्चन, तो फर्स्ट वाला ही है कि दो स्केल पैन है और दोनों का वेट सेम है, और
किससे कनेक्ट किए गए लाइक स्ट्रिंग से जो कि एक पुली के ऊपर से पास करता है। शो हाउ टू डिवाइड ए मास ऑफ 10 kg इन द स्केल पैन। तो कह रहा है कि स्केल पैन पे हम 10 kg जो मास है वो किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि सो एज टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस ऑन एसरलेशन ऑफ 8/g/9 ये आपके पास g/9 ठीक है कि आपका एसरलेशन जो है वो ये बने। ठीक है तो F हमने क्या मान लिया, F दोनों का वेट हमारे पास इक्वल है और हमें 10 kg जो वेट है मास उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो F हमने एसरलेशन मान ली सिस्टम का और 10 kg जो वेट था हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 pans के ऊपर। एक में हमने M ले लिया, दूसरे में क्या ले लिया 10 minus में mkg ले लिया और हमने कंसिडर कर लिया क्योंकि हमें M ग्रेटर ले लिया किसे 10 minus m से। तो 10 minus m से ले लिया तो यहाँ पे देखिए m1 हमने ले लिया m+4 और m2 जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, क्यों ये 4 क्यों ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो पेन है उनका भी तो अपना वेट है। ठीक है ना, तो पेन का भी वेट है और हमने और ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट भी तो किया है। तो डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हमारे पास क्या है, एक पे तो m किया है, दूसरे पे क्या किया है, दूसरे पे हमारे पास 10 minus m है। तो ये हो जाएगा आपका m1 m+4 एंड नेक्स्ट हो जाएगा इसमें प्लस कर देंगे तो 14 minus m बन जाएगा और F आपके पास दे रखा था g/9। ठीक है तो F इज इक्वल टू क्या बन गया, ठीक है इस केस में आपके पास एसरलेशन जो निकालने का फॉर्मूला है m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g। ठीक है तो m की वैल्यू भी डाल दी हमने g/9 = m1 minus m2 और जो भी हमारे पास m की वैल्यू m1 m2 की वैल्यू थी सभी को डाल दिया। डालने के बाद हमारा जी से जी कैंसिल हो गया और देखिए हमारे पास m की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 6 वैल्यू आ गई। तो हमने जो मास है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक बार तो 6 और दूसरे पैन पे हमने कितना कर दिया 4 क्योंकि हमें मास ही निकालना था वेट जो है किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया। तो देखो ये चीज़ ध्यान रखने की, हमने 10 kg वेट को डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया लेकिन पैन का अपना भी तो वेट था। ठीक है तो वेट तो सारा पुली पे जा रहा है तो जो वेट पैन का था और जो हमने ऊपर से डाला उसके ऊपर तो टोटल वेट जो बनता है हम उसको m1 और m2 मानेंगे। और वहाँ पे आपके पास गाइस एसरलेशन दे रखा है ना तो एक तरफ आपका दिया हुआ रखेंगे दूसरी तरफ हम नॉर्मली निकालते उसको फॉर्मूला रख दिया और वहाँ से हम उसको सॉर्ट आउट किया तो हमारे पास m बन गया। हम अब हम आराम से इजिली से निकाल सकते हैं कि हमने एक पैन पे 6 kg डाल दिया वेट और दूसरे पैन पे कितना डाल दिया 4 kg। ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मास ऑफ 3 kg डिसेंडिंग वर्टिकली। ठीक है 3 kg जो मास है वो डिसेंड हो रहा है वर्टिकली, ड्रॉ अप ए मास ऑफ 2 kg बाय मीन ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली। ठीक है कि आपके पास एक मास है 3 kg वो डिसेंड हो रहा है वर्टिकली, ड्रा अप ए मास ऑफ किस 2 kg मास है बाय मीन ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग जो कि एक स्मूथ पुली से पास कर रही है एट द एंड ऑफ 5 seconds। 5 seconds के एंड के 5 seconds में स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक हो जाती है तो फाइंड हाउ मच हायर द 2 kg मास विल गो। तो ये 2 kg जो मास है वो कहाँ चला गया, ठीक है तो मतलब कितना ऊंचा चला गया आपको ये निकालना है। ठीक है तो मतलब वेट आपके पास दो दे रखे, एक 3 है और 3 जो एक 3 है एक 2 है तो वो 3 वाला डिसेंड ही करेगा स्मूथ पुली के ऊपर। तो देखिए एक टाइप से आपका फर्स्ट वाला ही है, अभी कह रहे मतलब कि आपका एंड के 5 seconds में स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है तो आपका मास जो 2 kg वो कितना ऊपर चला जाएगा एकदम से। तो हेयर m1 जो है 3 kg एंड m2 आप क्या ले रहे हो 2 kg। तो देखो m1 हम ग्रेटर ले रहे हैं m2 से ऑलवेज, f हमने एसरलेशन ले लिया सिस्टम का, f निकालने का फॉर्म अप्लाई किया तो हमारे पास g/5 m/s² आ गया। अब देखिए वहन ये कह रहा है कि स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक हो जाती है लास्ट के 5 seconds में तो v हमने ले लिया उस टाइम से सिस्टम का वेलोसिटी ले ली। अगर वो पुली के ऊपर मूव कर रहा है और लास्ट के इवेंट में हमारा स्ट्रिंग टूट गया ब्रेक हो गया तो वेलोसिटी तो होगी ना उसमें, तो वी हमने क्या ले लिया उसकी वेलोसिटी ले ली। अब देखिए वो कह रहा है कि कितना वो मतलब कितना ऊपर गया, ठीक है तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो 0, एफ आप निकाल चुके, टाइम आपके पास दे रखा है 5 सेकंड। ठीक है तो वी इज इक्वल टू यू प्लस में एफ टी,
ये हमने अप्लाई किया फॉर्मूला इसके लिए, तो यू की वैल्यू जीरो थी इनिशियल वेलोसिटी, और ये हमारे पास बी कितना आ गया, जी मीटर पर सेकंड आ गया। तो देखिए व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक, जब स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है तो अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ मास 2 kg इज जी। जब आपकी स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो अपवर्ड जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 2 kg मास के ऊपर, जी मीटर पर सेकेंड, जी एम पर सेकेंड, ये देखो इसकी यूनिट है तो हम इसको यूनिट ऐसे बोलेंगे। एंड द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज वेट, और इसके ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई होगा वो इसके वेट के इक्वल होगा, तो इसके वेट के इक्वल होगा, तो वेट के इक्वल होगा फोर्स, तो इसका मतलब हाइट टू विच इट गो अप, तो कितना ऊपर जाएगा, तो हमें ये हाइट निकालनी है, ठीक है। तो ये हाइट निकालनी है, ये आपके पास बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में 2g, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन में 2g। तो वी जो है वो हमने निकाल रखा है, वी जो है वो हमने निकाल रखा है, वी कितना है हमारे पास 2, वी जो है हमने जी के इक्वल डाल रखा है, और वेट हमारा कितना है 2, तो 2 डाल दिया हमने। तो देखिए ये आपके पास आ गया g/2। अब हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से हाइट पूछ रहा था, हो गया जी अपॉन में 2, तो जी की वैल्यू क्या डालते हो, 9.8 डालते हो, 9.8 डाल के सोल्व करोगे तो आपके पास आ गया 4.9 meter, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 equal masses अटैच टू बी एन इनएक्सटेंसेबल लाइट स्ट्रिंग विच पासिस ओवर ए स्मूथ ए लाइट पुली हैंग्स इन इक्विलिब्रियम, क्या करें, 2 equal mass है जो अटैच किए गए इनएक्सटेंसेबल स्ट्रिंग के साथ, जो पास करती एक लाइट पुली से, ठीक है, जो कि उसको इक्विलिब्रियम पोजिशन में रखती है, तो शो करना है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज अनअल्टरेड व्हेन 1/n ऑफ इट्स मास इज एडिड टू 1 एंड 1/n+2 ऑफ इट्स मास रिमूव फ्रॉम द अदर। अब कह रहे कि इसने क्या किया कि आपको ये शो करना है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज अनअल्टरेड, मतलब टेंशन जो है सिस्टम की स्ट्रिंग की वो चेंज ना हो जब हम एक तरफ 1/nth मास ऐड कर दें और दूसरे में 1/n+ मास जो है उसका रिमूव कर दें, ठीक है। भी 2 equal mass दे रखे हैं आपके पास और दोनों को इनएक्सटेंसेबल स्ट्रिंग से क्या कर रखा, कनेक्ट कर रखा है। अब हम एक में तो कुछ ऐड कर दें, दूसरे में क्या कर दें, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कह रहा है कि आपको ये शो करना है कि दोनों केसेस में जो टेंशन है वो अनअल्टरेट, मतलब नो चेंज रहे, उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। तो लेट द इक्वल मास बी एम के बराबर ले लिया, T1 newton हमने टेंशन ले ली, तो T1 टेंशन ले ली, तो T1 टेंशन हम कैसे निकालेंगे, 2 × m1 × m2 / m1+m2 × g, ठीक है। m की वैल्यू डाल दी तो आपके पास mg न्यूटन्स आ गया। सेकंड केस में अब वो कह रहा है सेकंड केस में कि उसने एक में तो ऐड कर दिया, तो m1 हमारे पास क्या बन गया, न्यू मास जो है m1 वो ऐड कर दिया ना, तो m प्लस में 1/n ऑफ m ऐड कर दिया, तो ये आपके पास हो गया n + 1/n × m, और सेकंड में वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो 1 में से जो मास m था, m में से उसने घटाया 1/n+2 ऑफ m घटाया ना, तो 1 − 1/n+2 घटा दिया। अब हमने इसको सोल्व किया, इसका एलसीएम लिया, तो n + 1/n+2 × m। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस m1 और m2 हमारे पास न्यू मास आ गए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस T2 newton भी था टेंशन, कि अब जब हमने मास में चेंजमेंट किया तो उस केस में हमें जो मास मिले उसके हिसाब से टेंशन हमने T2 मान ली, तो अब T2 वही आपने 2 times of m1 into m2 / m1+m2, तो T2 डाल दिए, ठीक है। जैसे इसको सोल्व करा, ये भी आपके पास क्या बना, mg न्यूटन्स बना। तो फ्रॉम 1 और 2 देखियो, 1 और 2 ये दोनों क्या है, इक्वल, तो आपके पास T1 किसके बराबर होंगे, T2 के, तो क्या कह सकते हो कि हमारे पास द टेंशन रिमेन दी सेम, तो दोनों तरफ क्या रहेगी, टेंशन सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2-1 एंड ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग पासिस ओवर ए स्मूथ फिक्स पुली इज अटैच ए पार्टिकल ऑफ मास m1 टू फाइंड एंड ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग पासिस ओवर ए स्मूथ फिक्स पुली इज अटैच ए पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड अदर एंड कैरी ए लाइट पुली
ओवर विच पासिस ए लाइट स्ट्रिंग टू होल एंड आर अटैच्ड पार्टिकल ऑफ मास m2 एंड m3 शो दैट द मास m1 विल रिटेन टू रेस्ट। अब कह रहा है कि एक जो है एक स्मूथ पुली है आपके पास और उसके ऊपर एक स्ट्रिंग के साथ एक एंड के साथ तो एक वेट लटका रखा है m1, दूसरा जो एंड है स्ट्रिंग के साथ उसके ऊपर उस एंड से एक पुली को और कनेक्ट किया और उस पुली के ऊपर भी एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के दोनों तरफ जो है वेट लटका रखा है क्या m1 और m2। ठीक है, ये आपके पास स्मूथ पुली है, इसके ऊपर ये हमने स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग अब टेंशन स्मूथ पुली है तो दोनों तरफ की जो टेंशन है वो आपके पास क्या लोगे सेम लोगे, तो वन एंड पे तो इसने वेट m1 डाल दिया और दूसरे एंड के ऊपर एक पुली और है। ठीक है, जिसके ऊपर भी एक स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल और उस स्मूथ पुली के ऊपर टेंशन मतलब स्ट्रिंग डाल ली आपने और उस स्ट्रिंग के दोनों एंड पे m2 और m3 वेट डाल दी, तो इसकी जो टेंशन है वो हमने कितनी ले ली t2 ले लिया क्योंकि ये भी तो स्मूथ पुली है, दोनों पे क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, ओके, आपको ये शो करना है कि 4 बाई m1 इक्वल्स टू 1 बाई m2 प्लस में 1 बाई m3। ठीक है, तो देखिए t1 t2 ये आपको टेंशन तो समझ में आ रही कि स्मूथ पुली है तो दोनों तरफ की सेम होगी इसके भी। ठीक है, तो T1 एंड T2 भी द टेंशन हो गया इन द टू स्ट्रिंग एज सोन इन द फिगर। ठीक है, सिंस द मास इज एट रेस्ट, तो इसका मास जो है वो रेस्ट पोजीशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो T1 जो है T1 टेंशन किसके इक्वल हो जाएगी, इफेक्टिव जो फोर्स है इस पर यही हो गया mg। ठीक है, मास मल्टी mg तो बनेगा अकॉर्डिंग टू लोअर पुली। अब लोअर पुली का देखो इसके डबल नहीं बन जाएगी T1, तो ये मास हो गया टू टाइम्स ऑफ T2। ठीक है, टू टाइम्स ऑफ T2, तो T2 की जो वैल्यू है भाई इसके ऊपर तो क्या लगा रखा टेंशन, इसके कैसे निकालोगे टू टाइम्स ऑफ M1 इंटू में M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू में G। तो देखिए T1 इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ T1, ये देखो ये दोनों इक्वल हैं और यहाँ पे जो T1 है वो हमारा इन दोनों से बना है, तो ये टू टाइम्स हो जाएगा T1, तो टू टाइम्स ऑफ T2, तो T2 ये आपका देखो T2 का फॉर्मूला ये है, तो सोल्व किया और T1 हमारे पास ये आया इक्वेशन नंबर वन है। ठीक है, हमने दोनों को इक्वेशन वन और टू को क्या किया इक्वल रखा, इक्वल रखने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन अराइज हो गई M1 प्लस M3 अपॉन में M2 प्लस में सॉरी M2 प्लस में M3 अपॉन में M2 इंटू में M3, और ये हो गया। अब देखिए दोनों को अलग अलग डाला, वन अपॉन में M3 प्लस में वन बाई M2 इक्वल्स टू फोर बाई M1, तो ये हमारा रिजल्ट बन गया जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।